जो आप लोग नोटिस मिला उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अनाधिकृत तरीके से आप लोग यहाँ पे दुकान चला रहे हैं। अनाधिकृत रहता तो आप किराया किस लिए ले रहे थे? अरे कैसे अनाधिकृत कैसे हो गया भैया? आप ही लोग 4,051 पे किराया लेते हैं, 1-2 पैसे नहीं, 4,051। ऊपर से क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज भी लेते हैं, तो ऐसे हम लोग को रोजगार रहेगा? सब तो यहाँ पे क्या है, कबर गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? घर में रोजी रोटी सब अथी हो गया है, घर में सब घर में मातम आया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज, मैं हूँ आपके साथ सनी कुमार। इस वक्त मौजूद है उद्योग भवन के ठीक बगल में, जहाँ पे किताबों की दुकानें सजती है, जहाँ पे तमाम युवा IAS बनना हो या फिर तमाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां करना हो, यहाँ पे आते हैं और किताबें खरीद के जाते हैं। हम इसी जगह मौजूद हैं और इन दुकान वालों को आज दुकान खाली करने के लिए 3 दिन पहले एक नोटिस दिया गया था और 3 दिन के शॉर्ट टर्म में खाली करने को कहा गया, लेकिन खाली नहीं कर पाने के कारण आज प्रशासन की टीम आई है और इनसे इनकी दुकान खाली करवा रही है। तमाम चीज़ों को लेकर जुड़े हैं तमाम दुकानदारों से जानने की कोशिश करें क्या कुछ अहम मसला है, क्यों इन लोगों को इस तरीके से खाली करवाया जा रहा है। ऐसे में ये दुकानदार कुछ इनसे जुड़ते हैं, क्यों आप लोग दुकान खाली करवाया जा रहा है, क्या ये ज़मीन किसकी है ये बताए पहले? ज़मीन तो हम लोग का वहीं ब्याड ही से मिला था, हम लोग को के पाठक के द्वारा मिला था दुकान। कब मिला था? 2008 में। उसके पहले भी लगता था, रोड पर दुकान लगता था, उसके बाद फिर हम लोग को काउंटर बना के दिया गया। 16,000 रुपये पहले काउंटर का लिया गया, और उसके बाद हर महीना का किराया 4,051 रुपये के तौर पे था। लेकिन जो आप लोग नोटिस मिला उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अनाधिकृत तरीके से आप लोग यहाँ पे दुकान चला रहे हैं। अनाधिकृत रहता तो आप किराया किस लिए ले रहे थे? अरे कैसे अनाधिकृत कैसे हो गया भैया? आप ही लोग सोचिए, आप मीडिया वाले आप ही लोग ना बताइएगा। अनाधिकृत रहते तो हम लोग से किराया लिया जाता। 4,051 रुपये किराया लेते हैं, 1-2 पैसे नहीं, 4,051। ऊपर से क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज भी लेते हैं। एक रहता है कि नहीं खाली 4,000 किराया लेते हैं, नहीं 4,051 रुपये किराया लेते हैं, ऊपर से चक्रवृद्धि ब्याज अथी लेते हैं, सूद समेत जोड़ के। अब चक्रवृद्धि ब्याज तो आप जोड़ लीजिए कितना हो गया, मान लीजिए साल भर का है 70,000 जमा कर रहे हैं तो 50,000 रुपये पहले सूद में ले रहे हैं, 20,000 रुपये उसमें काट रहे हैं, तो ऐसे हम लोग को रोजगार रहेगा? सब तो यहाँ पर क्या है, कबर गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? घर में रोजी रोटी सब अथी हो गया है, घर में सब घर में मातम आया हुआ है। टूटने के बाद क्या होगा, कल हम लोग क्या, कुछ नहीं जानते हैं। हो सकता है कोई आदमी फांसी लगा ले, हम लोग छोड़े हुए हैं, फांसी लगा ले, जहर खा के मर जाए, यही लास्ट में ऑप्शन है। मंगलवार को आप लोगों की सुनवाई कोर्ट में होगी इस मामले को लेकर। मंगलवार को नोटिस आने वाला है लेकिन कुछ सुन ही नहीं रहा है। हम लोग का समय दे बोल रहे सर, 5 दिन का समय दीजिए, 5 दिन का समय भी नहीं दे रहे हैं, सीधा बोल रहे कि नहीं अब कोई उपाय नहीं है। क्या देख रहे हैं, सारा पोर्च वगैरह आके लगा हुआ है वहाँ पे, सब चीज़ आपके सामने है खाली। तो जाहिर तौर पे समझ सकते हैं कि 3 दिनों के भीतर इन्हें यहाँ से दुकान खाली करने का आदेश दिया गया, यानी कि इस जगह को खाली करने का आदेश दिया गया था, और आज वो 3रा दिन है यानी कि अंतिम दिन है। ऐसे में जब किसी को भी 3 दिनों की मोहलत दी जाएगी, अचानक 3 दिन में लोग कहाँ चले जाएंगे और अपने रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे? हालांकि तमाम चीज़ों के लिए तमाम दुकानदार इन लोगों से जुड़ते हैं। आप लोग की मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन सुनवाई होने से पहले ही आप लोग का अचानक हटाया जा रहा है। मतलब जो हम लोग को मिला है कोर्ट से नोटिस ST है, उसका वो महत्व नहीं दे रहा, बोल रहा कोई मतलब ही नहीं है। जो आप समझिए, सीधे बोरा तोड़ना है, हाँ किराया उसका बाकी है ये हम मान रहे हैं, तो बाकी है तो मतलब ये वो सम्मान दीजिएगा ना, ऐसा हाँ ऐसे कीजिए, चाहे इस सीधे तोड़ने के ऊपर तो आगे तो भैया गरीब को पेट पे लात सब मार रहा है। कितना किराया बाकी है आप लोग का? किराया भैया वो तो बियाडे बता सकता है, किराया का लिस्ट भेजेगा तब ना हम लोग जानेंगे। चलिए, बियाडा की ओर से लिस्ट जारी होगी जिसके तहत पता चलेगा कुछ लोगों का जो किराया बाकी है, कितना किराया बाकी है और कितने समय में इन्हें अपना किराया चुकाना है यानी कि कर्ज चुकाना है। हालांकि जिस तरीके से बियाडा की ओर से जो नोटिस दिया गया था उस नोटिस में साफ तौर पर लिखा था जो अनाधिकृत तरीके से यहाँ पे दुकान चलाते हैं अपनी किताब की, वो यहाँ से खाली करें। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अगर ये अनाधिकृत रूप से चल रही है तो ये जो दुकानदार रसीद दिखाते हैं बियाडा की ओर से, इनसे पैसे लिए जा रहे 4,051 रुपये, वो किस बात के लिए जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात यहाँ पे है कि अगर इनसे दुकान खाली करने को कहा जा रहा है
तो इन्हें दूसरी जगह कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे हम जिस तरीके से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पूरी तरह से जो यहाँ पे फोर्स है यहाँ पे तैनात है, और तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं जो इन्हें हटाया जा रहा है, लोग काफ़ी परेशान हैं, और परेशान होने के साथ ही यहाँ पे जो इनके साथ है, जो समस्या है, उनसे कैसे निपटे, ये भी इनके लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ी है। और आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जो फोर्स है अंदर तैनात है, और यहाँ पे जो कार्रवाई है वह लगातार चल रही है। ऐसे हम समझ सकते हैं कैसे अभी इनका काम चलेगा और जो रोज़गार है इनका वो कैसे होगा, क्योंकि बस यही इनका एक रोज़गार है जिससे कि इनके परिवार का सब सारा काम चल रहा था, पालन पोषण हो रहा था, पेट पल रहा था। लेकिन अब क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसे में जो रवैया सरकार का अचानक से 3 दिनों का नोटिस दिया कि खाली करने के लिए, वो भी अनाधिकृत तरीके से जगह खाली करने को कहा गया, यानी कि इस जगह को अनाधिकृत बताया गया जो लोग दुकान चला रहे हैं उनके लिए। लेकिन किराया किस बात का है इसका जवाब किसी के पास नहीं आया। कि अब मामला माननीय न्यायालय में लंबित है और कोर्ट के आदेश के बाद ही कुछ होना था, लेकिन उसे ठीक पहले ही बता दें कि आज 3 दिनों की मोहलत थी और तीसरे दिनों की रियाज आखिरी दिन थी खाली करने के लिए, लेकिन खाली नहीं हो पाया है। और मंगलवार को कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी, लेकिन सुनवाई से पहले ही ये ज़मीन जो है यहाँ से खाली करवाई जा रही है। अभी लोग कहाँ जाएँ क्या करेंगे इन्हें खुद ही पता है। लेकिन ऐसे में समझने वाली बात यह है कि अचानक से किसी को खाली करने को कहा जाए तो कोई भी कहाँ जाएगा, कहाँ से रोज़गार पाएगा और कहाँ अपनी दुकान को शिफ्ट करेगा, और ऐसे में परिवार के लोगों को भी काफ़ी परेशानी होगी। हालांकि और भी जो भी ताज़ा अपडेट्स होगी आपको हम बताते रहेंगे, लेकिन अब हमारे साथ बने रहे, फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।